Hello everyone. Continuing with the topic of programming with C++, today we are going to see the concept of deletion and traversal in arrays. So previous lecture में हमने देखा था arrays के अंदर insertion कैसे होता है, different cases देखे थे और उनकी हमने code blocks के ऊपर C++ में programming भी देखी थी. तो आज हम देखेंगे deletion और traversal in array. तो deletion देखो क्या है. तो अगर मुझे मेरे पास कोई एक array है जिसके अंदर कुछ elements हैं और उसमें से मैं किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूं, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा, मुझे उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा और उसके बाद उस एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे. बट देखो एरे के अंदर हम कोई ऐसी कमांड नहीं लिखते कि डिलीट हमने लिखी जिससे वो एलिमेंट डिलीट हो गया. सो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक एरे है जिसका साइज हमने 4 लिया है, दैट मीन्स करंटली हमने उसके अंदर 4 वैल्यूज को इंसर्ट किया है. जैसे ये वैल्यूज मैंने इंसर्ट करी हैं 1, 2, 3 एंड 4 और जो बाकी के इंडेक्स हैं उनको अभी हमने ब्लैंक छोड़ दिया. सिंपल इंडेक्स है 0, 1, 2 एंड 3. यूजर सेज दैट द एलिमेंट टू बी डिलीटेड इज element to be deleted is 2. यूजर कह रहा है कि मेरे को 2 एलिमेंट को डिलीट करना है. तो मुझे क्या करना है, बेसिकली आई हैव टू डिलीट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. तो यहां पे हम कुछ ऐसा तो नहीं लिखते दैट डिलीट एरे ऑफ इंडेक्स 2 या फिर रिमूव. तो बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू ओवरराइट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. तो एरे के अंदर डिलीशन में आप इतना समझो दैट वी हैव टू ओवरराइट दैट वैल्यू विद सम अदर थिंग और वी हैव टू डिक्रीज द साइज ऑफ द करंट एरे. अगर 4 एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है तो वो अब 3 को स्टोर करेगा. बेसिकली हमने इतना करना है, ओवरराइट करना है. तो कैसे ओवरराइट करोगे, आफ्टर डिलीशन ये एरे क्या बनेगा, after deletion this array will look like this 1, 3 and 4, बाकी की index blank है यानी 0, 1 and 2. तो हुआ क्या, एक बार position पता लग गई इस element की position क्या है, उसके बाद के सारे elements को हमने इस direction के अंदर shift कर दिया, right to left direction में हमने shift कर दिया. so basically इसमें भी हमने क्या करना है, we have to find the पोजीशन. एक बार हमें पोजीशन पता लग जाती है देन हम इजीली इसको कर सकते हैं. सो द मेन टास्क इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड एंड देन शिफ्टिंग रिमेनिंग एलिमेंट्स. और रिमेनिंग एलिमेंट्स से मेरा मतलब है उस एलिमेंट के बाद के जितने एलिमेंट्स हैं उनको राइट टू लेफ्ट में हमें शिफ्ट करना है. ठीक है, इतना क्लियर है. सो नाउ लेट्स सी द प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ डिलीशन इन एरेज. सो दिस इज द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही एरेज के डिलीशन का. सो एक बार इस प्रोग्राम को पूरा देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं. तो यहाँ पे भी मैंने एक ये प्रोटोटाइप लिखा हुआ है फंक्शन का. दिस इज जस्ट द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन. और ये फंक्शन किस लिए यूज लिखा है, इज यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट. जो हमें एलिमेंट डिलीट करना है उस एलिमेंट की ये पोजीशन फाइंड आउट करता है. इसके बाद का पूरा प्रोग्राम देखो सेम है. एरे कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करने वो साइज में लिया, जो नंबर डिलीट करना है वो एनओ में लिया, देन कुछ हमने वेरिएबल्स लिए जिनका यूज मैं आपको आगे बताता हूँ. एंटर एरे साइज, इनिशियली मैंने एरे का साइज एंटर किया 4. एंटर एरे एलिमेंट्स, एरे के जो एलिमेंट्स मैं एंटर करूँगा वो मैं करूँगा 1, 2, 3 एंड 4. सो 1, 2, 3 एंड 4, बाकी की इंडेक्स ब्लैंक. ठीक है,
एंटर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, नंबर के अंदर लेंगे इनपुट, सो मैंने एंटर किया 2, देन एक्चुअली आई एम नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन इन दिस प्रोग्राम, सो लेट्स फॉरगेट दिस. सो नाउ देन फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, एक लूप चला रहे हैं जो यहां तक चलेगा पूरा. इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू नंबर, एक ही करके हम चेक कर रहे हैं कि जो एरे का आई है इंडेक्स पोजिशन से हम चेक कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, वो नंबर के बराबर है या नहीं है. तो पहले इतना ही पार्ट देखते हैं कि हमें आई की कौन सी पोजिशन मिल रही है. एरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2, नो, तो ये वाला लूप नहीं चलेगा पहले एरे ऑफ 0 के लिए. देन अगेन आई जब 1 होगा, एरे ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, यस. सो आई की वैल्यू जो हमें पता लगी वो पता लगी 1. अब इस लूप के अंदर हम गए, हमने लूप कहाँ से शुरू किया, जे इक्वल्स टू आई, यानी जे को हमने शुरू किया 1 से, कहाँ तक चलाया, लेस देन साइज माइनस 1, दैट इज जे लेस देन 3, और जे को इंक्रीमेंट करते गए. देन एरे ऑफ जे इज इक्वल्स टू एरे ऑफ जे प्लस 1, यानी एरे ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 2. तो अगर मैं यहां पे इसको ऐसे बनाता हूं, एरे ऑफ 1 किसके बराबर कर दिया, एरे ऑफ 2, यानी इस वाली पोजीशन पे कौन सा आ गया, 3. सो दिस इज 3. एक और बार लूप चलेगा तो क्या होगा, ये एरे ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 3, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, 4. शिफ्ट हो गया ना एक एक करके, देखो ऐसे हो गया और ये ऐसे आ गया, दिस इज 4. और जब एरे आपका 2 हो गया तो ये कंडीशन मीट हो गई, क्योंकि जब एरे को अगर हम जे को अगर हम 3 करेंगे तो ये कंडीशन मीट नहीं होगी, यानी ये लूप सिर्फ 2 बार चलेगा आपका. तो इतना हो गया, फाउंड को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, यानी ये फाउंड अब कितना हो गया, अगर 0 था इनिशियली तो दिस फाउंड इज नाउ 1. और ये फाउंड हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है ताकि मैं ये पता कर सकूं कि मेरे को एलिमेंट मिला या नहीं मिला, क्योंकि अगर इस लूप के अंदर आपका कंट्रोल एक बार भी चला गया इसके अंदर तो फाउंड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. तो जब मैं फाउंड को फिर आगे चेक कर रहा हूं, अगर फाउंड 0 ही रहा तो एलिमेंट नहीं मिला, अगर ये इंक्रीमेंट हो गया दैट मीन्स एलिमेंट मुझे मिल गया. सो उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे क्या कराया है, द एलिमेंट इज डिलीटेड सक्सेसफुली, देन एरे आफ्टर डिलीशन इज सिंपल, इसको दोबारा से प्रिंट करा दिया, तो अब क्या प्रिंट होगा, 1, 3 एंड 4. सो बेसिकली यहाँ पे भी हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने पोजिशन को फाइंड आउट किया है और उसके लिए कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सिर्फ प्रोटोटाइप बनाया था. बट यहाँ पे आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो कि एरे के हर इंडेक्स से आप नंबर को चेक करो और जिस लोकेशन पे आपको नंबर मिल जाता है उसी लोकेशन से आप लूप को स्टार्ट करो और उसके बाद के एलिमेंट्स को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है. सो बेसिकली आप देख सकते हो वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम दिस पोजिशन राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ डिलीशन. अब इसी प्रोग्राम को एक बार कोड ब्लॉक्स में रन करके देख लेते हैं. देखते हैं डिलीशन फ्रॉम एरे की, तो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है डिलीशन के लिए, जो मैंने लिखा है उसमें मैंने एक फंक्शन लिखा है फाइंड पोजीशन, जो एरे का एलिमेंट जिसको मैं डिलीट करना है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेगा. यहाँ पे हमने एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है, यूजर से इनपुट लिया कौन सा एरे का एलिमेंट डिलीट करना चाहता है, देन यहाँ पे हम बस चेक कर रहे हैं और उसको डिलीट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इस वक्त इस पर्टिकुलर फंक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसको आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है. सो ये कोड में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, थ्योरी में अभी वही चीज़ है, अगर फाउंड को हम 0 ही रख रहे हैं, फाउंड को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स एलिमेंट जो है वो एरे के अंदर नहीं है, वो एलिमेंट एरे में नहीं मिला, एल्स एलिमेंट इज सक्सेसफुली डिलीटेड और एरे आफ्टर डिलीशन को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं. तो ये जो कोड है, ये कोड है डिलीशन का, अगर एरे के अंदर एलिमेंट मिलता है तो उसके बाद हमें उनके एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है सिंपल. तो अभी भाई इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं.
अब हमें डालना है एरे का साइज. सो मैंने डाला 4 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं. सपोज 1, 2, 3, 4. अब एलिमेंट जो डिलीट करना है, अगर मैं कहता हूँ एलिमेंट मुझे 2 डिलीट करना है, तो आफ्टर डिलीशन क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4. तो आप देख सकते हैं एरे आफ्टर डिलीशन इज 1, 3 एंड 4. तो ये जो पूरा कोड है, इसमें पूरे कोड में ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, और इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका लॉजिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज द कोड फॉर डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एन एरे. और ट्रेवर्सल ऑफ कोड के लिए आप इस वाले कोड को लिख सकते हैं, सिंपल होता है ट्रेवर्सल. सो दिस इज अबाउट द डिलीशन ऑफ एरे. आप इस कोड को रन करके देखिए, अगर कोई एरर आपको आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू. द नेक्स्ट इज ट्रेवर्सल इन एन एरे. सो द ट्रेवर्सल इन एन एरे इज वेरी सिंपल टॉपिक, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हाउ टू ट्रेवर्स इन अ एरे. सो ट्रेवर्सल इन एन एरे इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन. इसका मतलब है एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके प्रोसेस करना, एक्सेस करना. सो अगर मेरे पास एक एरे ऐसे है, वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इंडेक्स क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 और 5. अब मुझे क्या करना है कि करके इस एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है. सपोज द एरे इज दिस arr. तो क्या करेंगे, हम एक लूप लेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0. आई को कहाँ तक चलाएंगे? आई को हम चलाएंगे लेस देन इक्वल्स टू 5, देन आई प्लस प्लस. अब सिंपल प्रोसेस करना है, दैट मीन्स हम उसको एक्सेस कर रहे हैं. तो हम एक्सेस करने के लिए हम उसे प्रिंट भी करा सकते हैं. सो इफ आई राइट इट लाइक दिस, सी आउट arr आई. सो दैट इज सिंपली द ट्रेवर्सल इन एन एरे. अब आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ, आई पहले क्या था? 0. यानी पहले क्या प्रिंट होगा? एरे ऑफ 0, जो क्या है हमारा 1. ऐसे उसके बाद क्या प्रिंट होगा? एरे ऑफ 1. आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, हमने यहाँ पे प्लस प्लस कर रखा है. फिर क्या प्रिंट होगा? 2. एंड सिमिलरली ये कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू 5 के बराबर है, यानी एरे ऑफ 5 तक ये जाएगा. और एरे ऑफ 5 क्या है? 6. सो इस तरह से आप ट्रेवर्सल इन एन एरे कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको हम अभी हम रन करके भी देखेंगे. सिंपल सा प्रोग्राम है, एरे का साइज लिया, जितने साइज तक है उतने साइज तक मैंने यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट कराया. दिस इज नथिंग बट दिस इज इंसर्टिंग एरे एलिमेंट्स. एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रहे हैं, और प्रिंट कराने के लिए देखो वही चीज मैंने लिखी है, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज. और जब तक हमारे पास है तब तक हमने यहाँ पे सिंपल किया. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ एरे एलिमेंट्स. सो एरे ट्रेवर्सल काफी सिंपल है. नाउ वी विल सी द कंप्लीट कोड इन कोड ब्लॉक्स. अब हम देखेंगे एरे ट्रेवर्सल के बारे में. सो एरे ट्रेवर्सल काफी सिंपल है. ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट एन एरे, एंटर सम एलिमेंट्स इन द एरे, एंड देन यूज अ फॉर लूप टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरे लिया है, देन एरे का साइज लिया है, जितना हम एरे के अंदर एलिमेंट्स डालना चाहते हैं. सी आउट के अंदर एंटर एरे एलिमेंट्स, एक लूप चलाया है अप टिल साइज, और एक एक करके यूजर से एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं. जब एरे का ट्रेवर्सल की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर एक्सेसिंग और प्रोसेसिंग द एरे एलिमेंट्स. तो यहाँ पे हमने एक्सेस करने के लिए एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराया है. तो एक और लूप चलाया है सेम, बस यहाँ पे अब हमने क्या यूज़ किया? सी आउट, क्योंकि अब हम प्रिंट करा रहे हैं एलिमेंट्स को, तो हमने सी आउट का यूज़ किया. तो इसको एक बार रन करके देखते हैं. अब तो यहाँ पे एरे का साइज डालना, सपोज मैंने डाला 6, देन एलिमेंट्स 1, 2, 5, 6, 3, 4. तो आफ्टर प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ये एक्सेस होगा कैसे? 1, 2, 5, 6, 3, 4, जो इस लूप से हो रहा है.
ये वाला जो लूप है ये आपका बेसिकली एरे ट्रेवर्सल का लूप है, दिस इज द कोड फॉर एरे ट्रेवर्सल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।